गाड़ी जब से सर्विस होकर आई है ना एकदम उछलती है ओ। इसका पैकअप बिल्कुल तेरे जैसा हो गया। जीन जीन पैकअप नहीं बापा लाल, पिकअप बोलो पिकअप। गलत इंग्लिश बोलते हो तो उसमें गलत ही मतलब निकलता है। चार साल इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा है तुमने, बेचारा पढ़ाने वाला गुजराती सीख गया लेकिन तुमको इंग्लिश नहीं आई। अबे रेवा देने वाड़ी नहीं थामा, वाड़ी नहीं थामा। अबे सात चौपड़ी इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ लिया, अपने आप को जॉर्ज बुश का रिश्तेदार समझने लगी है, अपने आप को इंग्लिश का प्रोफेशनल समझने लगी है। मारा नहीं शिक्षक, प्रोफेशनल नहीं प्रोफेसर। अरे सेम डिफरेंस यार, स्लिप ऑफ टंग। अब तू समझ गई ना? मैं तो कई सालों से समझ रही हूँ और झेल भी रही हूँ तुमको और तुम्हारी सड़ी हुई इंग्लिश को। अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कल्याण जी भाई है ना देशभक्त आदमी, उनके सामने हिंदी में ही बात करना, इंग्लिश बोल के अक्कल का प्रदर्शन मत करना, समझ गए? तू अपने मुंह का प्रदर्शन हमारा बंद करने वाइडी नहीं थाई छते। चल काट निकाल, काट निकाल। तुम्हारी सारी बातें सही है बापू पटेल, मगर न्यूयॉर्क में हुए हादसे के बाद अमेरिका में रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो कल्याण जी भाई, वो अमेरिका है अमेरिका। देखा नहीं बुश ने कैसा बुच मार दिया है? वो तो ठीक है बापू पटेल, मगर इसका अंजाम क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। आज के जमाने में लड़ाई किसी के हित में नहीं है, लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब देखो ना, हमारे गुजरात में भूकंप आने से लाखों लोग मारे गए, लेकिन किसी भी देश ने उनकी मौत पर 10 सेकंड का भी मौन नहीं रखा। ये बात सच है, मगर अमेरिका में कुछ हजार लोग क्या मारे गए कि हमारे पूरे देश ने 2 मिनट का मौन रख दिया। कमाल है अमेरिका, हर किसी पर जादू कर दिया अमेरिका ने, जिसे देखो उसी के गुणगान है। क्योंकि अमेरिका अमेरिका है कल्याण जी भाई, अरे कमाल का कंट्री है कमाल का। हे भगवान, हम लोग यहाँ पे शादी का कार्ड देने आए हैं या अमेरिका के गुणगान गाने आए हैं? सॉरी सॉरी। क्षमा कीजिए भाभी जी, हमारी गाड़ी जरा दूसरी पटरी पर चली गई थी। अच्छा ये तो बताइए कि अमेरिका में हमारे दामाद जी करते क्या है? अरे अमेरिका में उनके कई मोटेल्स हैं, पिताजी तो पहले ही चल बसे लेकिन अब जमाईराज अकेले कारोबार संभालते हैं। बहुत ही होनहार है हो लड़का, MBA किया है। चलो अच्छा हुआ बापू पटेल, तुम्हारा अमेरिकन दामाद पाने का सपना तो सच हुआ। वो तो है। कब आ रहे हैं हमारे जवाई राजा? अरे वो तो आराम से आएंगे, लेकिन हमारी समधन और उनके बहन बहनों ही कल ही आ रहे हो। अच्छा वेलकम रमा बहन, वेलकम। वेलकम, ओ यू मीन वेलकम। आइए 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 आइए। कैसे हैं आप लोग? वाइन सुपर वाइन। बीच में मत बोल, आज मेरे को बोलने दे, इसे बीच में बोलने की बहुत खोटी आदत है। ओ रमा बहन, मैं कहाँ था? प्रीतम भाई कैसा रहा आपका सफर है? सफरिंग? एनी प्रॉब्लम? ओ बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा तो प्रीतम भाई ये बताओ ना, हमारा बिल्लू कैसा है? बिल्लू? बिल्लू रजनी बेन, ये बिल क्लिंटन को प्यार से बिल्लू बोलते हैं, बहुत चाहते हैं ना उसको बिल्लू। बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी है ओ बिल्लू। हमारे इंडिया आया था ना तो हमारे गांव में भी आया था और गांव की औरतों के साथ ऐसा नाचा था, ऐसा नाचा था, सबको दीवाना बना गया हो। अरे नेता हो तो बिल्लू जैसा, हिलेरी भी, मोनिका भी, इधर भी उधर भी। बस बस करो बाबूलाल, कुछ तो शर्म करो, बस करो। थोड़ी बातें अंदर के लिए भी छोड़ो, ऐसा बोल रही हूँ। चलिए चलिए अंदर चलिए महाराज। गोपाल को बोल दो इनका सामान गाड़ी में से अंदर ले आए। चलिए चलिए।
रख। रमा बेन, ये आपकी होने वाली बहू जया। नमस्ते। नमस्ते। पूरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सुपर वाइन और टॉप क्लास छोकरी नहीं मिलेगी। हो सुपर वाइन? फाइन फाइन बोल रहे हैं, मतलब मस्त छोकरी। आओ बेटी मेरे पास बैठो। रूप तो आप देख ही रही हैं, अब गुण के बारे में मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। सिलाई, बुनाई, पेंटिंग और बुकिंग। अरे बुकिंग तो इतना टेरिफिक है, माँ का भी कोई क्लास नहीं है। आंगली चाटते रह जाओगे आप। बुकिंग? कुकिंग? कुकिंग की बात कर रहे हैं ये। गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश। ऐसी ही बहू की कल्पना की थी मैंने अपने जतिन के लिए। दोनों एक साथ निकलेंगे तो बिल्कुल लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी लगेगी। वैसे रमा बेन, ये हमारा जमाई राजा इंडिया कब आ रहा है? हाँ, वो बताओ। अगले हफ्ते आ जाएगा, उसकी टिकट भी ओके हो गई है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा जल्दी आ जाते तो हमारे फार्म की भैंसों का दूध तो पीते। हमारी फार्म की भैंसों को भी अच्छा लगता कि हमारा अमेरिकन जमाई हमारा दूध पीता है। क्या कंट्री है अमेरिका। आ, 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 बहुत बढ़िया कंट्री है। लेकिन आपके यहाँ तो पाउडर वाला दूध मिलता है ना। कमाल का कंट्री है अमेरिका। हम पाउडर लगाते हैं और वो पाउडर खाते हैं। मजाक कर रहे हैं? बहुत मजाक के सुनाओ। कमाल का कंट्री है। जैकी ये तो बताओ जतिन ये पार्टी किस खुशी में दे रहा है? भाई वो तो पार्टी देने वाले ही जाने, हमको इनविटेशन मिला था इसलिए हम यहाँ आ गए। But where is he? I don't know. Thank you.
गया है पीपल की ठंडी छाँव में, एक लड़की मेरे गांव में करती है मेरा इंतजार। यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला। से खबर ये सुन ली है मेरी माँ ने लड़की चुन ली है। ओह नो, लोगों से खबर ये सुन ली है मेरी माँ ने लड़की चुन ली है, लड़की ने भी हाँ कर दी है, मत पूछो मेरी क्या मर्जी है। मैं कब से हूँ तैयार, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला। गुपचुप तस्वीर के जैसी है, ना मैंने उसको देखा है ना उसने मुझको देखा है, बिन देखे हो गया प्यार। यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला, यार मैं इंडिया चला। हेलो हेलो जतिन बेटा। हे मॉम, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी बहुत याद आ रही है। अब तू बड़ा हो गया है, कब तक मुझे इस तरह मिस करता रहेगा? क्यों? अच्छा सुन, बहू के लिए एक वेडिंग रिंग ऑर्डर की थी, उसकी डिलीवरी ले ली ना तूने? माँ वही भूल गया था मैं, प्रॉमिस आज ही ले आऊंगा। याद करके ले लेना बेटा। प्लीज 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 डोंट वरी, ले आऊंगा मैं। कहाँ गए?
ए कमल जी, हाँ कहाँ हो तुम बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? To me it looks beautiful and sexy. Yeah, yeah, yeah. ओए, how dare you call me sexy, हाँ? Excuse me, ma'am. मैं आपको नहीं, इस अंगूठी को कह रहा था. तुम जैसी इंडियन लड़कियाँ अमेरिका में रहकर भी नहीं सुधरती. Very bad manners. अरे मेरा दोस्त तो है ना. ए, don't try and act smart, okay? What? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से समझती हूँ. पहले तो लड़कियों को छेड़ते हो और ऊपर से बदतमीजी. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो जबरदस्ती किसी के गले पड़ रही हो. मैं गले पड़ रही हूँ? हाँ तुम, क्योंकि तुम पागल लगती हो. क्या कहा? Hey, what's wrong with you? क्या कर रही हैं आप? अभी दिखाती हो अपना पागल. सॉरी सॉरी, गलती हुई बाबा, फोन भी गिरा दिया. चल तुझे इंडिया वन पीस पहुंचाना है. चल चल, गेट लॉस्ट. पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं. हेलो. हेलो, मैं जेबी डिजाइन से बात कर रहा हूँ. आपका घाघरा चोली रेडी है? रॉन्ग नंबर. हेलो. अबे तेरी आवाज को क्या हो गया? कौन बोल रहा है? साले मेरी आवाज नहीं पहचान रहा है. जैकी बोल रहा हूँ. जैकी सुन, पहली रात कोई बिल्ली मार देना, वरना ये इंडियन लड़कियां है ना, पति को कुत्ता बना के रखती है. और एक और बात सुन, पहली रात के लिए अगर तुझे कोई टिप चाहिए ना, तो वहीं पूछ लेना मुझे. ऐसे ऐसे रास्ते बताऊंगा कि समझ रहे ना तू क्या. चुप है. हेलो. हेलो, मैं जेबी डिजाइन से बात कर रहा हूँ. आपका घाघरा चोली रेडी है? करिश्मा, जेबी डिजाइन से फोन है. वो अभी थोड़ा बिजी है, पूछ रही है क्या काम है. अच्छा, उनसे पूछ लीजिए घाघरे में इलास्टिक लगाना है या नाड़ा. करिश्मा, घाघरे में इलास्टिक लगाना है या नाड़ा? इलास्टिक. घाघरा मैंने नाभि से 2 इंच नीचे रखा है, आप बोलो तो 2 इंच और रख दूं. यप, इट्स गुड. और चोली को थोड़ा सा और ऊपर कर दूं. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. And it's looking so sexy. Oh my God. अच्छा उनसे बोल दीजिए कि 1 घंटे के अंदर आके डिलीवरी ले ले. Okay, no problem, man. Bye. Bye. Oh my God. लगता है इस फोन को ऑफ करना पड़ेगा. Hello, sweetheart. एक बात तो बताओ, शादी के लिए इंडिया जाने की क्या जरूरत है? Shut up. कौन हो तुम? जतिन, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? जतिन? हेलो. इज दैट मिस्टर जतिन? यप. करिश्मा, करिश्मा पटेल. मैं मजाक कर रहा था. लगता है हमारा फोन बदल गया है. क्या? तभी तुम्हारे सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं. देखो, मेरे पास झगड़ने का वक्त नहीं है. चुपचाप एड्रेस लिखो और मेरे घर पर फोन पहुंचा दो. ओके? देखो, अभी मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं 4 बजे की फ्लाइट से इंडिया जा रहा हूँ. तो प्लीज तुम टर्मिनल बी पर आ जाना, हम अपने फोन एक्सचेंज कर लेंगे. ओके? और सुनो. व्हाट? जेबी डिजाइन से तुम्हारे लिए फोन आया था. तुम्हारा घाघरा चोली तैयार है. अरे जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन. ओ पाजी, घड़ी नहीं खरीदी है? नहीं. तो फिर बार बार देख क्यों रहा है जी? मैं लेट हूँ. ओ, हिंदुस्तान जा रहा है? यप. ओह, क्या बात है जी, क्या बात है. हिंदुस्तान की कमाल का देश है. वो सिर्फ राज करने वाले जरा सही हो जाए ना, तो सारी दुनिया को हिला के रख दे जी. ओए पापा जी, तुसी एक काम कीजिएगा, वो हिंदुस्तान उतरते ही उसकी जमीन को बाबा सिंह की तरफ से एक बार चूम लीजिएगा. क्या मतलब? ओ बेटे, हम हिंदुस्तानियों के लिए तो धरती भी माँ होती है और वंदे मातरम तो अपनी संस्कृति ही है. आपके कोई रिश्तेदार है इंडिया में? ओ जी बहुत है बेटे, बहुत है रिश्तेदार. ओ क्या है कि इंडिया में मैं ट्रक ड्राइवर थी ना, और मेरा रूट था गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली जाना.
बस समझ लो गुजरात से दिल्ली तक बस रिश्तेदारी रिश्तेदार हैं जी। तो सरदार जी फिर तो आप इंडिया अक्सर जाते होंगे। ओ नहीं, वो नहीं पुत्र, वो रिश्तेदारों की वजह से ही तो इंडिया छोड़कर आना पड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र इंडिया जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। ओके। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबनु गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लो जी लो, आ गया आपका एयरपोर्ट। निकल निकल, come on। सॉरी, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता क्या? सॉरी मिस, इसकी गलती नहीं है, मैं इससे टकराया और फिर ये आके आपसे। मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनना चाहती, मजाक मस्ती की कोई हद होती है? मजाक मस्ती और नहीं तो क्या। मेरे टेलर को बोलकर मेरे घाघरे में नाड़ा के बजाय इलास्टिक लगवा दी। अब घाघरा इतना वजनदार हो गया है कि मेरी कमर पे टिकता ही नहीं। अगर मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं होता ना। तुम्हारी फ्लाइट? हाँ। मतलब तुम भी आज इंडिया जा रही? हाँ। यानी हम दोनों एक ही फ्लाइट पर? Yes, my bad luck। और याद रखना, आगे कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Okay। Where's my phone? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। Stupid। Wow। अरे तू इससे फ्लाइट में दूर ही रहना, पंगा मत लेना इससे। बहुत तीखी है, लगता है इसकी माँ ने मिर्ची खा खा के इसको पैदा किया है। मिस्टी की मिर्ची। चल तू टाइम से आना। Yes, you take care. I'll see you in India. There you go. Later, buddy. Bye. टाइम से आना। Yeah, yeah. Bye. Bye. What? कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी? Yes, आज दिल्ली एयर ट्रैफिक स्टाफ की इंडेफिनिट स्ट्राइक है। बस यही एक लास्ट फ्लाइट थी जिसे लैंड होने दिया गया है। क्या आप मुझे इतना बता सकती हैं अहमदाबाद के लिए पहली ट्रेन कब मिली? ट्रेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कल रात अहमदाबाद के पास बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से गुजरात जाने वाली हर ट्रेन रद्द कर दी गई है। ओके, प्लीज आप मुझे गुजरात की विजयनगर जाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? यस, आपके पास अब एक ही रास्ता है। अगर कोई टैक्सी वाला आपको गुजरात ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो। टैक्सी? यस। हाँ। अरे पापा जी, तुसी गुजरात जाने वाला है कोई? ओ जी, मैं क्या गुजरात जाने वाला है कोई? ओ जी गुजरात जान, ओ जी मुझे विजयनगर जाना है। ओ, ओ जी, चलिए जी, चलिए। सरदार जी, आपका नाम क्या है? वीर सिंह। वीर सिंह, अमेरिका में आपका कोई रिश्तेदार है? ओ जी, मेरे रिश्तेदार तो दिल्ली से बाहर ही नहीं गए जी। कमाल है, अमेरिका में मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला था जो बिल्कुल आपका हमशक्ल है और सरदार भी। अच्छा अच्छा, ये बताइए जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? ओ जी, पिताजी तो बचपन में ही चल बसे थे, पर माँ कहती है कि वो ट्रक ड्राइवर थे जो गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली जाते थे। हाँ जी, बिल्कुल सच जी, पर आपनों कैसे पता जी? अमेरिका वाले टैक्सी ड्राइवर से। अमेरिका? ओ जी मजाक छोड़िए जी, बैठिए गाड़ी च। ये थोड़ी बैग। I'll take that. Thank you. No way. ओए सरदार जी, इस गाड़ी में ये भी मेरे साथ आएगा? मैं इस लड़के के साथ इतना लंबा सफर नहीं काट सकती। और मैं भी नहीं। ओ जी एक मिनट, आप लोगों की खानदानी दुश्मनी है? हाँ। सरदार जी, मैं आपकी पहली पैसेंजर हूँ, मैं जो भी कहूँ वही करिए आप। और मैं आपको डबल किराया देने को तैयार हूँ, मगर इसको उतार दो। ओ शट अप, यू शट अप। ओ जी सुन, मैं सरदार जी। हाँ जी। आगरा चलोगे? एक मिनट सोच लो जी, आप दोनों की मंजिलें एक ही है, अगर मैं आगरा चला गया ना तो गुजरात के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। हाँ। ओह गॉड सेव मी।
चलो जी मान गए, माफ करो, जाने दो, ओ जी बुक बंद करो। वीर सिंह ये जंगल में कहाँ ले जा रहे हो? ओ जी बाजी ये शॉर्टकट है, वो जरा 2-3 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे। जी माफ करो, जाने दो, हाय 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 अल्लाह। अरे सरदार जी गाड़ी रोकना प्लीज। What happened? यहाँ पर पब्लिक फोन है, मुझे फोन करना है, मेरे मम्मी डैडी मेरा वेट कर रहे हो। ठीक है बेबी, आप फोन कर लो, मैं भी कुछ खा कर। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, मुझे भी फोन करना है अपनी माँ को। यही टाइम मिला अपनी माँ को फोन करने के लिए? क्या माइंड योर ओन बिजनेस, ऑलराइट? शट अप, अजीब कैरेक्टर है ये। माफ करो, जाने दो। खाने में क्या है? खाने में सब कुछ है। ओए तू मेरी नकल उतारता है? ओए ओए जल्दी, तू मेरी नकल उतारता है? ओए मैं पहले बोला था, तू क्या हो गया? सुन रखा होगा कि मैं हाक लाता हूँ। मैं दिल्ली तो आ रहा, मैं कैसे सुनूंगा? दिल्ली तक लोग मुझे जानते के गुरु आग लाता है। मैं वीर सिंह सरदारों के सरदार नार पंगे ना नहीं। यहाँ तू भी पंगे ना नहीं, तू जा नहीं, तू तू पंगे तू कहाँ छोड़ दे, तू मेरे क्या आता नहीं है तेरी तेरी तू मेरे क्या ना निम्न 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 कर दे। ओ यार तेरी जाए तू तेरी तू बीच अरे छोड़ो बीच बीच तू आ तू बस तेरी सरदारों लंबासिया के इलाके में दंगा? मैं लंबासिया नाम है मेरा, लंबे से नजर आता हूँ, मार मार के सबको लंबा कर देता हूँ। मगर मैं मगर अगर मगर कुछ नहीं, लंबासिया मौका है वारदात पे कुछ नहीं सुनता, जो कुछ बकना है पुलिस स्टेशन में चल के बको। चौधरी यस सर, दोनों को उठाकर स्टेपनी की जगह डाल दो। यस सर, कम ऑन क्विक। ओ जी सर जी मैं देख रहा हूं, दोनों सरदारों को लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे पुलिस हमारे ड्राइवर को क्यों ले गई? वो हमारे मालिक से झगड़ा कर रहा था इसलिए। पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है? बस यही पास में 4-5 किलोमीटर, और ये ड्राइवर चाबी यहीं छोड़कर गया है, चाहिए तो लेकर जाइए। ड्राइविंग आती है? किस किस्म के गधों से पाला पड़ा है? अरे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों हकले हो? बेकार में पुलिस का इतना पेट्रोल जलाया, पहले जाके ढाबे से उठाओ फिर जाके ढाबे पे छोड़ो। हंसना छोड़ो, गाड़ी तेज चलाओ। चलाओ मैं। ओए सर जी मेरी गाड़ी चोर चोर, गाड़ी रोको जी। के लंबासिया के इलाके में चोरी? कार्रवाई कार्रवाई घुमाओ गाड़ी, जल्दी घुमाओ, चलो जल्दी घुमाओ जी। ओए 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 जी चलो पीछे करो। पुलिस हमारा पीछा कर रही है। क्या लेकिन किस लिए? स्पीड कम करो। अरे वही तो कोशिश कर रहा हूँ। अरे जल्दी गाड़ी रोको। शट अप विल यू, लगता है ब्रेक फेल हो गया।
नुकसान कौन भरेगा? जिसने गाड़ी ठोकी वही भरेगा। और गाड़ी भगाने को किसने कहा था? भगाने को कहा था, ठोकने को नहीं। Shut up, shut up. You shut up. खामोश। तुम दोनों मियां बीवी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। हम लोग मियां बीवी नहीं है। मैं अंधा हूँ क्या? के लंबा से नाम है मेरा, लंबे से नजर आता हूँ। 15 साल हो गए मेरी शादी को भी, मेरे घर में भी तू तू मैं होती रहती है। मगर मगर छोड़ो, सुनो, मैंने भी भागकर शादी की है। भागकर शादी करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चौधरी। यस सर। इन्हें हमारी जीप में बस स्टैंड तक छोड़ देना। जी। ये यहाँ का बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। यहाँ से? हाँ। ओके, वेल थैंक यू, थैंक यू। साहब कुछ चाय पानी? ओह नो नो थैंक्स, मेरा चाय पीने का मूड नहीं। थैंक यू ऑफिसर। ये लो भैया चाय पानी। शुक्रिया। ये क्या? ये क्या? ये हमें चाय पिलाना नहीं चाहता था, खुद अपनी चाय पानी के लिए मांग रहा था। ओके, चाय पानी यानी टिप। That's right, Mr. Jatin. Okay. यहाँ मुफ्त में कोई मदद नहीं करता। बोलो भाई, कुली, 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 कुली। अरे कुली चाहिए किसी को? अरे कुली चाहिए किसी को? कुली। अरे बोलो भाई, बोलो, कुली चाहिए? वीर सिंह। ओके, देख रहे हो भाई, क्या हुआ? अरे ये क्या वीर सिंह, पुलिस ने तुम्हारी टैक्सी भी ले ली, एक ही दिन में टैक्सी ड्राइवर से कुली। एक तो सवेरे से बोनी नहीं हुई और तुम मजाक किए जा रहे हो। अब मैंने आज तक घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई। वीर सिंह? मैं वीर सिंह नहीं, जीत सिंह हूँ। कमाल बावले जैसे। लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वीर सिंह से मिलती है। हाँ, मगर मैं जीत सिंह हूँ, जीत सिंह राठौड़। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा जीत सिंह, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? पिताजी? हाँ। ओ, मैं तो कुछ नहीं जानू, लेकिन हाँ मेरी माँ कहा करती थी कि वो ट्रक ड्राइवर थे। वही जो गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक जाते थे? अरे हाँ हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? दिल्ली वाले वीर सिंह ने बताया। वीर सिंह? ओ भाई मजाक छोड़ो, सामान किधर है बताओ। नो थैंक्स, सामान मैं खुद उठाऊंगा। लगता है नए आए हो। यहाँ की बसें देखिए, यहाँ की बस में सामान चढ़ाते हैं, सामान आगे निकल जाता है, सवारी पीछे रह जाती है। He's right, Jatin. कितने पैसे लोगे भैया? भैया? तैने मुझे भैया कहा, ठीक है सिर्फ 100 की हरी पत्ती दे देना। वरना क्या 500 रुपए लेते? सामान चढ़ाने तो चढ़ा, 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए? हाँ 20 रुपए। अरे भैया क्या हुआ? ओ मेम साहब, अपने मियाँ को समझा दो, 20 रुपए में तो यहाँ कूली की फोटो तक नहीं आती। और पता है हमारे देश में आजकल करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है कूली पे। मजदूर, दीवार, कूली, कूली नंबर वन, और देखना एक दिन जाके बनेगी जीत सिंह राठौर नंबर। ठीक है, ये लो 100 रुपए बस। वाओ, अनबिलीवेबल। करिश्मा वो देखो। अनबिलीवेबल, जीसस ओ भाई साहब, वो देख रहे हो ना सामने से जो आदमियों का गुच्छा चला आ रहा है, वही तुम्हारी बस है। क्या? हाँ, अब जिस तरह लड़ाई के मैदान में सिपाही कूद पड़ते हैं ना, वैसे तुम भी उसमें कूद पड़ो। मैं सामान फेंकूंगा। फेंकूंगा? अब मेरा मतलब है चढ़ाऊंगा। तुम तो कूद पड़ो मैदान जंग में, जल्दी करो। चोट तो नहीं आई? मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मेरा सामान। देखिए मिस्टर, ये आपका अमेरिका नहीं है। अगर बस में चढ़ने की ताकत नहीं थी आप दोनों में, तो अपने आप को चढ़ाने के लिए भी कुली कर लेते।
कमाल है, लगेज हमारा गया है और आप हम पर गरम हो रहे हैं। अरे गरम क्यों नहीं होंगे यार, अरे हमको तकलीफ होगी, तुमको क्या है, आ गए कंप्लेन लिखवाने। और देखो यहाँ कोई चीज की गारंटी वारंटी नहीं है। क्या? हाँ पता पता लिख लिया है मैंने, अगर तकदीर से सामान मिल गया ना तो आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। हे चीयर अप, ओके सामान मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कौन सी दुनिया लुट गई। उसमें मेरी शादी का जोड़ा था। क्या? तुम भी शादी करने आई हो? तुम भी मतलब तुम भी शादी करने आए हो? यस। बेचारी। बेचारी नहीं, खुशकिस्मत होगी जो मुझ जैसे लड़के से शादी करेगी। बेचारा तो वो होगा जिसके पले तुम पड़ोगी। ए, he'll be the luckiest man on earth, okay? दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी होगा वो। श्योर लव मैरिज है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। फिर तो तुम्हारी जरूर लव मैरिज होगी। नहीं, मैं उसे एक बार भी नहीं मिला हूँ, मेरी माँ ने उसे पसंद किया है। वैसे तुम मिली हो अपने मंगेतर से? नहीं, मेरी मम्मी पापा ने ही चुना उसे, और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी मम्मी पापा जिससे भी मेरे लिए चुनेंगे सही चुनेंगे। I'm impressed. That's great. That's great. Thanks. पर तुम्हारी शादी का समझ में नहीं आया मुझे। क्यों? तुम तो अमेरिका में ही पैदा हुए हो, फिर मम्मी की पसंद को अपनी पसंद कैसे बनाने चले आए? जो भी मैं हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। डैडी की डेथ के बाद माँ ने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, मेरी हर खुशी हर मांग पूरी की, वो भी मेरी पसंद की, इसलिए मुझे माँ की इस पसंद पे पूरा विश्वास है। तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। चलो अच्छा हुआ, कहीं तो हमारे ख्यालात मिले। आई थिंक हमारे ख्यालात एक बात पर और मिल सकते हैं। क्या? भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। फिर आइए। खाना हाइजीनिक तो होगा ना? 100% हाइजीनिक, मगर इंडियन स्टाइल। मतलब? मतलब ये कि किचन में चूहे भाग रहे होंगे, कॉकरोच डिशेस को टेस्ट कर रहे होंगे। यहाँ के लोग सब्जी धोना पसंद नहीं करते, मसाले तो मस्त मिलावट वाले होते हैं। कुक हफ्ते 10 दिन में एक ही बार नहाता है। और एक बात बताओ, यहाँ के खाने में नमक बिल्कुल नहीं होता है, कुक का पसीना इसको ज्यादा नमकीन बना देता है। अरे ये लो पानी पीओ। अब मुझे खाने का मूड नहीं है। सुनो ज्यादा होशियारी मत करो, नहीं तो भूखे रहोगे। यहाँ कोई 5-star होटल नहीं मिलने वाला है विजयनगर तक। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या? ये लो खाओ। वो देखो पता नहीं बाबा सिंह की चमत्कारी ज्योत ने कहां कहां प्रेम की गंगा बहाई है, लगता है ये भी उसी की औलाद है। देख क्या रहे हो, बन जा रहे हैं इसी तरह जगह जगह घूमकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। हे जीत सिंह, हे गोम, मान गए जीत सिंह। जीत सिंह? यस यस जीत सिंह। कौन जीत सिंह? अरे वाकई तुम तो बहुत बड़े एक्टर निकले, दिन में मजदूरी और रात में ही गाना बजाना, कमाल करते हो जीत सिंह। आपको गलतफहमी हो रही है साहब जी, मैं जीत सिंह नहीं हूँ, मैं हूँ भंवर सिंह, भंवर सिंह बन जा रहा। भंवर सिंह हुकुम, एक बात बता। हुकुम? तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? हुकुम ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ माँ कहा करती थी कि वो ट्रक ड्राइवर थे। वही जो गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली जाते। हुकुम हुकुम, पर थारे को ये सब बातें कैसे पता? जीत सिंह ने बताया। अच्छा अच्छा जीत सिंह। हाँ फिर जीत सिंह साहब, आपकी रात बिताने का बंदोबस्त कर दिया है,
ग्रे गेस्ट हाउस का मालिक मेरा दोस्त है और उसको मैंने फोन भी कर दिया है, मेरा बंदा आपको ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू। आइए अब हम आपका यहाँ की खास खास चीजों से तारुफ करवाते हैं। देखिए तमाम चीजें यहाँ पर जो है एनआरआई के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनवाई हैं। और जनाब ये ड्राइंग रूम तो इतने खास प्यार और लगन से मैंने बनवाया है कि यहाँ पर बैठे बैठे अगर आपको अपने खून में गर्मी लानी हो तो गर्मी के लाने का सामान भी मौजूद है जनाब। नो थैंक यू, हमें सिर्फ बेडरूम दिखाइए। दिखाते हैं भाई, इतनी जल्दी क्या है? सारी रात पढ़िए, वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती है। देखिए ऐसी बात नहीं है। ये देखिए हमारा वार्डरोब, इसमें जो फिट आए पहन लीजिए, थोड़े से चार्जेस ज्यादा होंगे। दरअसल हिंदुस्तान में जब तक आपकी जेब में पैसा है लोग पूछते कैसा है। That's good. Thank you. मैं फ्रेश होकर आती हूँ। या सरकार और कुछ चाहिए? थैंक यू। नहीं मेरा मतलब है इंपोर्टेड स्प्रे, ताकत की गोलियां। देखिए मिस्टर रजाक शाहजहां पूरी। मिस्टर रजाक अब हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा सरकार, बल्कि जब तक आप मुझे खुद बुलाकर डिस्टर्ब करने के लिए ना कहें बिल्कुल नहीं करूंगा। थैंक यू। वैसे लड़की कमाल। देखिए मैंने आपसे नहीं, खुदाफिज खुदाफिज, शब बखैर, शुभ रात्रि, जकूजी, गुड नाइट, जकूजी जकूजी, नो डिस्टर्ब। जतिन में जो चीज चाहिए लेके जा, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे आपने तो जोर का झटका धीरे से दे दिया, आपको तो किसी ने बुलाया भी नहीं फिर भी आप आ गए। फोन आया था? अरे फोन क्या होता तो मैं इतने जल्दी थोड़ी पहुंचता, वो तो मैंने चीखने की आवाज सुनी, यहाँ से गुजरा था तो मैं चला आया। तुम, अरे तुम आदमी हो या एटम बम, जहाँ जाते हो तहलका मचा देते हो। ये चोरी करने घुसा था, बाप का कसम जा। कोई नहीं मारेगा, मैं आ चुका हूँ। इधर आ कंबल सिंह, मेरे इलाके में चोरी करता है एनकाउंटर कर दूंगा, ऐसे केस में फिट कर दूंगा कि कोई वकील तेरा केस नहीं लड़ेगा। चल मुझे वकील के बच्चे, मैं खुद वकील हूँ, डिंसाजी दारू वाला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मालिक, अबे मालिक के बच्चे तेरी तो, झूठ बोल रहा है ये, अगर मालिक है तो चोर की तरह क्यों आ रहा था? He's right. अरे क्या होता है He's right? अरे सर मैंने अपने बंगले की लाइट जलती हुई देखी, बेडरूम में चहल पहल देखी, तो मैं चोर को पकड़ने के लिए आया था, इसी ने मेरे को डबक लिया। हमने इसे किराए पर लिया है। अरे बापो इस बंगले का मालिक मैं हूँ, मैं डिंसाजी दारू वाला। हाँ। मेरी परमिशन के बगैर यहाँ चिड़िया भी घोंसला नहीं बना सकती, समझे? तुमको एक किराए पे दिया किसने? हाँ? इसने पूरा पेमेंट भी लिया एडवांस में। रजाक तू मालिक, ये लड़की झूठ बोलती है। मालिक मैंने आपका नमक खाया है, इस घर में नमक मैं लाता हूँ, भला आपसे कैसे नमक हरामी कर सकता हूँ? साहब मेरे को मत मारो साहब, मेरे को टीबी है, डायबिटीज है, अल्सर है, अस्थमा है, लीवर में भी मेरे प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिनचर्या साहब अक्सर यहाँ नहीं होते तो इनका ये महल में अक्सर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जरूरतमंदों को किराए पे दे देता हूँ। मेरा फायदा आज के बाद तो सबसे बड़ा जरूरतमंद तू बनेगा। हॉस्पिटल के सामने दवाई के लिए भीख मांगेगा ना, तो भी कोई पैसा नहीं देगा तेरे को। डिंसाजी दारू वाला के डिंसा महल को डिंसा गेस्ट हाउस बना दिया। बेशरम बेशरम, मेरे कपड़े पहन जाए, चुप इडियट। इंस्पेक्टर साहब इसको अंदर कर डालो और कभी भी बाहर नहीं निकलना।
क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोकी? सामने पुलिस खड़ी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साहब हम लोग बीकानेर जा रहे हैं, हमारे मम्मी डैडी की शादी की 50वीं सालगिरह मनाने। वहाँ हमारे कुल देवता है। इन लोगों को बीकानेर तक लिफ्ट दे देना, ये लोग विजयनगर जाएंगे। मगर साहब अंदर तो सब फैमिली वाले हैं। अरे ये भी तो एक फैमिली है, अभी भी शादी हुई है इनकी। मगर सर हम मगर इनका सामान जो है वो विजयनगर वाली बस में चला गया और ये लोग यहाँ पीछे रह गए। तुम इनको बीकानेर तक छोड़ देना, वहाँ से कोई दूसरी सवारी कर लेंगे। सर इनकी मदद कर देना। इट्स ओके। ठीक है सर, आइए जनाब। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। के लंबासिया, आइए। लंबे से नजर आता हूँ। नाम क्या है बेटी? करिश्मा। और बेटा तुम्हारा? जतिन। आपकी लव मैरिज हुई है? पहले लव हुआ होगा, घर वाले माने नहीं होंगे, फिर मान गए होंगे, हाँ कर दिया होगा, यही ना? अपने जैसे ही। अरे क्या आपने भी 50 साल पहले लव मैरिज की थी? अरे बेटा लव मैरिज तो हमारे देश में महाभारत के जमाने से चली आ रही है। क्यों जी? अर्जुन अपनी सुभद्रा को भगा के लाए थे। बेटे तुम भी अपनी सुभद्रा को भगा कर लाए हो क्या? दादाजी दादाजी आपने दादाजी को कैसे बताया था? अरे अरे बुद्धू गाना गा के टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? क्यों दादाजी, ठीक कहा ना मैंने? अरे बेटा हमारे जमाने में 12 बजे का शो देखने की आज्ञा नहीं मिलती थी। अच्छा देखो बेटा वैसे भी 12 बजने वाले हैं, अब तुम सो जाओ और हमें भी सोने दो। ओके दादाजी। और बेटा तुम्हारी बात का जवाब मैं सुबह बीकानेर पहुंच के दूंगा। अच्छा दादाजी। ड्राइवर साहब लाइट बंद कर दो, सो जाएं। जी सर। से विजयनगर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। थैंक यू। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम हमें दादाजी मानते हो और हमारी शादी की सालगिरह मनाए बगैर चले जाओगे? लेकिन अरे बेटा एक दिन की तो बात है, बाद में हम तुम्हें विजयनगर के बाईपास पे छोड़ देंगे। ओके? हाँ बेटा, तुम हमारे मेहमान हो और तुम दोनों को बिना खाए पिए हम कैसे जाने देंगे? चलो आओ हमारे साथ। चलो बेटा चलो। क्या सोच रहे हो जतन? चलो अंदर चलते हैं, फ्रेश होकर मंदिर चलेंगे। लेकिन विजय हमारे पास कपड़े भी नहीं है। कपड़ों की चिंता मत करो, सब हो जाएगा, हमारे पास बहुत कपड़े हैं। कम ऑन। ओके। अरे अरे जीते रहो। मिस्टर बाबा सिंह, तेरे प्यार की गंगा बहाने का चक्कर अब मेरी समझ में आ गया। अरे यार सीढ़ियों पर ही खो गए, अंदर चलो, बड़ी चमत्कारी जगह है। बाबा गोविंद राम के चरण छूओगे तो धन्य हो जाओगे। अरे 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 खुश रहो खुश रहो। बाबा ये हमारे मेहमान हैं। अच्छा अच्छा, इनकी नई नई शादी हुई है। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। आइए। दूसरों के कपड़ों में तुम सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। सच कहूं? इन कपड़ों में तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। लग रहे हो? कम ऑन यार, आई एम हैंडसम। ओके। अरे कम ऑन यार, दोनों ही खूबसूरत लग रहे हो। चलो चलो नीचे, सब पहुंच गए हैं। अरे ये क्या करिश्मा, तुमने अभी तक अपनी मांग नहीं भरी? मांग? लेकिन भाभी बात यह है कि हम दोनों पुराने रिवाजों को नहीं मानते। पुराने रिवाज?
अरे जतिन, यही तो हमारा कल्चर है, हमारे संस्कार, हमारी पहचान। जानते हो, शादीशुदा औरत को अगर मम्मी जी ने बिना मांग भरे देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देंगी, पूरी रामायण और महाभारत खड़ी कर देंगी। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो, नीचे चलो, नीचे देर हो रही है। अरे ये देखिए ना संजना भाभी, अभी तक करिश्मा ने अपनी मांग नहीं भरी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, मांग तो तुम्हें भरनी ही पड़ेगी। मैं तो सिंदूर की डिब्बी हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ। चलो जतिन भैया, अब हमसे शर्माने की जरूरत नहीं, जल्दी से भाभी की मांग भर दो। तू मन लागी मुँ मन लागी तू जैसे तार तंबूर का मेरे तन से जुदा नहीं तू।
सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। इन दोनों की नई नई शादी हुई है पंडित जी, संतान योग है ना? बहन जी, संतान योग तो है और भाग्य भी अच्छा है। देश से परदेश में भाग्योदय ज्यादा अच्छा हो सकता है, परंतु परंतु क्या पंडित जी? रेखाएं तो यही कह रही हैं। रेखाएं क्या कह रही हैं पंडित जी? बहन जी, इनके हाथों में वियोग योग लिखा है, ये दोनों साथ रह नहीं पाएंगे, बिछड़ जाएंगे। नहीं पंडित जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं बहन जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन दोनों के हाथ की रेखाएं कह रही हैं। मगर इस वियोग योग का कोई उपाय, कोई निवारण तो होगा? निवारण तो है, लेकिन करें तो? क्यों नहीं करेंगे, हम करवाएंगे। दादी माँ, हम तो अगर तुमने ना कही तो तुम्हें हमारी कसम। लेकिन दादी बेटा सुनो, तुम दोनों ने हमें दादा दादी माना है तो हमारा कहना भी मानना पड़ेगा। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्मत्वैहि विनाशनम, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः कुरुते नमः कुरुते नमः। बस क्यों रोक दी? साहब, विजयनगर का बाईपास आ गया, विजयनगर वाले मेहमानों को यहीं उतरना पड़ेगा। जतिन, विजयनगर यहाँ से राइट में ही पड़ता है और सुबह भी होने ही वाली है, यहाँ से तुम्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर मैन। हम आपको बहुत मिस करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। अच्छा बाय, करिश्मा का ख्याल रखना। यस, नमस्ते। नमस्ते, बाय बदमाश। बाय आंटी, बाय। थैंक यू, बाय आंटी। अच्छा दादी माँ, हम जीते रहो बेटा, खुश रहो, बी गुड नाउ दादू। अरे रे बेटा बेटा। ओके दादाजी, बाय बाय। थैंक यू। Bye bye. Bye, see you. Bye bye. Bye bye. Thank you. प्यार क्या होता है? किसी को सीखना हो तो हिंदुस्तानियों से सीखे। Thank you.
इधर भी उधर भी यहाँ भी वहाँ भी आग दोनों तरफ जगी ये प्यास हम तुम कितने दूर 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 कितने पास Ha 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 ha!
What the hell is that? इसे छकड़ा कहते हैं। क्या? ऑटो रिक्शा बुद्धू। लेकिन इसे चला कौन रहा है? इसे कौन चला रहा है देखने वालों को कभी पता नहीं चलता, लेकिन बरसों से ऐसा ही चला रहा है। चलो लिफ्ट मांगते हैं, मजा आ जाएगा। पर जगह कहाँ है? जगह खुद अपने आप मिलेगी। चलो। Hey, woo. We want to ride in a chakra. Let. Woo. Oh my God. विजयनगर तक लिफ्ट मिलेगी? हमें विजयनगर तक नहीं जाना है, आगे मेला लगा हुआ है, हम लोग सब वहीं जाता है। तुम दोनों को वहाँ तक जाना है तो बैठ जाओ, लेकिन भाई 20 रुपए लगेगा। ओके, मेले में चलना है? चलो चलते हैं। ओके, लेट्स गो। हेलो जेंटलमैन, आ जाओ बैठो। ऐसे नहीं, ऐसे घूम के बैठो। It's gold. Bracelet? Bracelet दे दिया। विजयनगर आ गया। मगर यहाँ से सिटी कितना दूर है? चल के जाओगे ना तो 15 मिनट का रास्ता है। ये रास्ता सीधा नागरदास कॉलोनी जाता है और ये रोड सीधा पटेल कॉलोनी जाता है। जतिन, बाय। आज अगर हम साथ न आते शायद इसके हाथ न आते। आज नहीं
नहीं बनता ओ जाने महबूबी, हमको कयामत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। आई गल समझ में? अरे यार तुम सरदार लोग इतने इंटेलिजेंट होते हो, फिर भी लोग तुम पर जोक क्यों मारते हैं यार? यार इसको बड़ी सर्च कर रहा हूँ मैं। दामाजी आ गए। दामाजी आ गए। दामाजी आ गए। ओ मुबारक हो। दामाजी। ओ दामाजी आ गए। जतिन आ गए। हमारे यहाँ गुजरात में साड़ियाँ इस तरह पहनी जाती है। अच्छा। देखना तुम। आज प्रीतम भाई तुमको देखेंगे उनकी दाढ़ी के बाद ऐसे खड़े हो जाएंगे। मालकिन। क्या है? दामाजी आ गए। हाँ। चलो चलो चलो। बिटिया, दामाजी आ गए। थैंक गॉड। आइए, आइए दामाजी, आइए। वेलकम, दामाजी, वेलकम, वेलकम, वेलकम। क्या कर रहे हो? अमेरिकन दामाद के सामने अपनी अक्ल का प्रदर्शन मत करो। कभी तेल कम, कभी भेल कम। सीधा साधा वेलकम बोलो, वेलकम। अरे खुशी के मारे स्लिप ऑफ टांग हो गई। आपका सामान कहाँ? सामान तो बस में ही चला गया। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी, कितनी चिंता हो रही थी तेरे लिए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अरे रमा बहन, why you rowing? अब तो बेटा भी आ गया, अब रोने का क्या काम? अरे take it busy। बेटे, ये तेरे होने वाले ससुर बापालाल जी, प्रणाम करो। अरे भगवान ब्लेस यू बेटा, भगवान ब्लेस यू। थैंक यू। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी सास कोकी। नमस्ते। अरे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हारी और जया की जोड़ी अखंड रहे। जानते हो तुम सही सलामत यहाँ पर आ पहुंचो, इसलिए चार दिन से जया ने फास्ट रखा है, अनाज का एक भी दाना नहीं गया उसके मुंह में। What? हाँ बेटे, तू बड़ा नसीब वाला है, पति के इंतजार में उपवास करने वाली पत्नियां सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती हैं। हाँ। जया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चल जा, अब तो अपने हाथों से उसे कुछ खिला दे। हाँ। जा, जा, वो अपने रूम में है। जा। जा बेटा। चला तुमने चार दिन से कुछ खाया नहीं, तुम इन बातों में विश्वास क्यों रखती हो? तुम पढ़ी लिखी हो। पढ़ लिख कर इंसान समझदार तो जरूर बन सकता है, पर चमत्कार तो ईश्वर ही करता है ना, और मैं ईश्वर में श्रद्धा रखती हूँ। मान लो मैं 10 दिन तक नहीं पहुंचता तो? आप जब तक नहीं आते मेरे उपवास चालू रहते। लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए तो? हमारे यहाँ जिससे शादी की बात पक्की हो जाती है उसी दिन से लड़कियां उसे अपना पति मानने लगती हैं, और जो पति का शुभ वही पत्नी का सुख। चलिए अब खाना खा लीजिए। जी वो समझा कि घर में चोर घुसा है, और हम समझे कि गेस्ट हाउस में कोई डाका डालने आया। वो पिटाई हुई ना उसकी कि पूछो ही मत। माय गॉड, इट वाज टू फनी। अरे दीदी, ये तो पूरी हिंदी फिल्म की कहानी हो गई। और नहीं तो क्या? कृष्णा! पापा, पापा! Yeah!
अभी तक? करिश्मा बेटी, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट और कहाँ हो सकते हैं? गीता तुम चुप रहो ना। अच्छा वो क्या है बेटे, आज हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा लाड़ आ गया है, हम फौरन भागते हुए चले आए। कैसा है तू? कैसा लग रहा हूँ मैं? कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहले ना वैसा ही है। अच्छा हो जाए, हो जाए, लगा मत। असर पड़ा है। ये ब्रेसलेट कब लिया तूने? लिया नहीं माँ, मेरी सहेली ने गिफ्ट दिया है। मगर ये तो किसी लड़के का लगता है, और इस पर तो जे भी लिखा है। छोड़ो ना, आते ही होगी शुरू। तुमने अमेरिका देखा है? नहीं जी। वहाँ लड़कियाँ लड़कों की तरह रहती हैं और लड़के लड़कियों की तरह, समझ गई ना? अच्छा। खैर ये सब छोड़ो, शादी के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, बाकी की तैयारियाँ करो, बहुत काम पड़े हैं। कल से मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहले तो खाने का इंतजाम करो, बहुत भूख लगी। भूख लगी है ना? जी पापा, बहुत। चलिए चलिए। जया, ओ जया, ओ जया की बच्ची, कहाँ है तू? बारा भूल गई क्या? कब आई तू अमेरिका से? मैं कल ही आई, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि तुम शादी कर रही हो और मुझे खबर तक नहीं दी तूने। देखो ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी से कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या मुझे शादी पे बुलाना नहीं चाहती थी? ऐसी बात नहीं है करिश्मा। ऐसी बात नहीं है तो फिर मेरी शादी के दिन तूने अपनी शादी क्यों रखी? Anyway, छोड़ो ये सब बातें। सुना है अमेरिकन लड़का ढूंढा है तूने, मुझसे नहीं मिलाओगी? मिलाऊंगी मिलाऊंगी, मगर एक शर्त पर। नजर मत बिगाड़ना। अरे जा जा, मेरी नजर इतनी सस्ती नहीं है कि किसी पे भी बिगड़ जाए। मेरी खास सहेली, और करिश्मा यही है वो। नमस्ते। नमस्ते। ये अमेरिका पढ़ने गई थी, इसकी शादी भी उसी दिन है जिस दिन हमारी। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। दामाजी आपकी रजिस्ट्री आई है। मेरी? हाँ, कोई राहुल अग्रवाल की है, जयपुर से। इंडिया आते ही दोस्त बना लिए? नहीं, ये मेरा पुराना दोस्त है। जया, ये लो मेरी शादी का कार्ड। इन्हें नहीं बुलाओगी? ये भी आएंगे और तू भी आएगी, तो फिर कार्ड इन्हें ही दे दो। चलो मैं करिश्मा को छोड़ कर आती हूँ। ओके। Thank you.
हाँ माँ। देख बेटा, तू आज कहीं मत जाना, दोपहर को हमें बाहर जाना है। ओके। अरे क्या, ये कपड़े अभी तक धोने नहीं डाले? मैं धोने डाल देती हूँ। लेकिन माँ। अरे बेटा, शादी का घर है, किसी को याद नहीं रहा? हाँ, कपड़ों का ढेर लग जाए। हेलो, कोकी पटेल स्पीकिंग। हेलो, आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोलो बाबा। ओहो नटिया तू है, क्यों इंग्लिश में बोल रहा था, बोल बोल क्या बात है। हाँ, कितने आदमी खाने पे आ रहे हैं, वो लिस्ट नहीं मिली तुझे? तो एक काम कर, मुझे अपना नंबर दे। हाँ, मैं बापालाल से बात करती हूँ, बाद में तुझको फोन करती हूँ, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। बोल क्या नंबर है। 55 61 62। महाराज एक काम करो, ये नंबर अपनी डायरी में लिख लो। हाँ, मैं नटू के साथ बाद में बात करती हूँ। अच्छा, दिन में 100-100 बार तो नंबर लिखवाते, फोन किसको करते नहीं है। अरे बाहर में जाइए सब। एक महाराज 10 आदमियों काम करेगा, खाना बनाएगा या फोन नंबर लिखेगा। ये क्या, दरवाजा क्यों बंद किया? किसी ने देख लिया तो? वो ये अमेरिका नहीं। हाँ, यहाँ शादी से पहले लड़के लड़कियाँ मिलते नहीं हैं। हाँ हाँ, वो बात नहीं है। आपके मन में जो बात है वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो मैं आप ही की हूँ ना। जी देखिए, आप क्या आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या, देखिए मुझे हाँ, ऐसा देखिए, ये पाप होगा शादी से पहले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखिए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, क्या ऐसा मत कीजिए, थोड़े दिनों की तो बात है ना। मैं सब समझता हूँ, प्लीज। आप लगता है कोई आ गया। हाँ मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। जाओ। हे भगवान, राम 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 राम। हे भगवान, ये सवेरे सवेरे बॉम ब्लास्ट की तरह मेरे घर में कौन फटा? जैकी तुम? ओह माय गॉड, इस घर में इतना अंधेरा क्यों है? इस घर में अंधेरा नहीं है, तुम्हारी आंखों पे अंधेरा है, चश्मा तो उतारो। पापा भाई, ये है जतिन का खास दोस्त जैकी, अमेरिका से आया है। अमेरिका से आया है? अरे अमेरिका के लोग कमाल के होते हैं, रॉकेट की तरह आते हैं और रॉकेट की तरह जाते हैं। कमाल का कंट्री है अमेरिका। भगवान जाने मेरे को कब जाने मिलेगा, लेकिन कमाल का कंट्री है अमेरिका। गिरे हुए पर हंसते नहीं है, उसे थामते हैं। My dear friend, give me a hand, please. Yeah? Quickly, fast. Hi, Jackie. Hello. Meet my knife first. Knife? Wife. Oh. I'm Koki. Hello. Jitana. Are you? Phone is coming. Me going. Tum zara hating, please. Okay. Na 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 na. Hello, Bapalal sleeping. Yeah. अरे ऊपर है भाई, मुक्त तो नहीं, स्लिप ऑफ टांग हो गया है। स्पीकिंग स्पीकिंग, रमेश बोलो छू। रमेश भाई, हाँ बोलो बोलो। अरे मेहंदी की रस्म में हम लोग कैसे आ पाएंगे? अरे मेरे घर में मेहमान आए ना, उन लोगों को मैं भिजवा दूंगा। अरे प्रीतम सिंह है उसमें, धमाल धमाल करवा देगा। I'm
जान जवानी जानम नाम तेरे कर जावा मेरे बदले तू जिए तेरे बदले मैं मर जावा ओ गल सुन सोनिए तू गल सुन सोनिए की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। सच बता, ये ब्रेसलेट जतिन का ही है ना? देख करिश्मा, ये अमेरिका नहीं इंडिया है। तू जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है, और तू अपने पापा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। उन्हें इस बात का जरा भी पता लगेगा तो हम सबका जीना हराम कर देंगे। मगर माँ, मेरी माँ भी बात नहीं सुनना चाहती। देख करिश्मा, मेरी बात अच्छी तरह से दिमाग में उतार ले। जिंदगी के सफर में जो रास्ता मंजिल की तरफ जाता है उसी पर चलना चाहिए, और तेरी मंजिल जति नहीं निमेश है। तेरी और हम सबकी भलाई इसी में है कि तू अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए भूल जा।
देख जतिन, तू अमेरिका में रहकर भी प्यार में इंडियन देवदास बनेगा? बी प्रैक्टिकल, जिंदगी भर के रोने से अच्छा है एक दो दिन का रोना। मैं भी तो तेरे साथ हूं, मेरी बात मान, बगावत कर जा, बन जा मुगले आजम का सलीम और हिला डाल रमेश भाई की घर की दीवारें। मगर अनारकली भी माननी चाहिए ना। अरे मानेगी, अनारकली मानेगी भी और गाना भी गाएगी। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दामाद जी, ये चोरी चोरी चुपके चुपके बंद कमरे में क्या हो रहा है? पी रहे सॉफ्ट ड्रिंक, अमेरिका का सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे। अमेरिका का कोई मुझे जहर भी पिलाएगा ना तो ये बाबा लाल हंसते हंसते पी लेगा। और ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक अमेरिका। ला 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 सॉफ्ट ला। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक, नहाने का नहीं पीने का। अरे यार सेम डिफरेंस, स्लिप ऑफ टंग। लाओ लाओ, ये मेरा है। अच्छा अच्छा यार। अरे इट्स ओके यार, ही इज आवर बापू। ये बापू नहीं है, हम वो बापू नहीं है, हम बापा लाल पटेल है। सेम डिफरेंस, स्लिप ऑफ टंग। अरे तेरा अंग्रेजी मेरे जैसा होता जाता है। जय बुश, जय बिल्लू, जय मोनिका। ये मैं पूरे घर बैठी हूँ और आप इधर बैठे हो, दामाजी के साथ गप्पे मार रहे हो। अरे स्वीट हार्ट, मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ। अमेरिका का सॉफ्ट ड्रिंक, अमेरिका का सॉफ्ट ड्रिंक। अरे कमाल का है, आओ आओ तू भी आओ, एक हाथ लगा, मजा पड़ जाएगा। आओ 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 आओ। मुझे भी दो ना। ये ली। चीवर्स। ले पी पी, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन पी। अलग है नहीं टेस्ट इसका? पहला थोड़ा अलग लगेगा, बाद में बहुत मजा आएगा। पी 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 पी। है ना, मजा आया ना, मजा आया ना, चमकार। खत्म हो गया। चीवर्स। यस। अमेरिका। और है? और है? हाँ 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 है है। मस्त। और है? जोर जो कोकी को और जो। जाओ ले ले ठपकर। अमेरिका का शोर ड्रिंक जवाब नहीं। अमेरिका, आई एम कमिंग। और है नहीं, फिनिश, खत्म हो गया है यार। बापू कैसी लगी? अरे अरे फिर जोर का झटका से लगा। एक ओके, हम तो के सामने। हां हां, एक्सक्यूज मी बच्चों, अभी गुड नाइट। यस गुड नाइट, गुड नाइट। ये मेरा है। अच्छा सिरे कोकी कवल का शौड्री है, इंडिया में क्यों नहीं मिलता है? एकदम मिरेकल हो गया, मिरेकल। आज नाश्ते में खांडवी बनाई है, सबको पसंद आएगी। अरे सर्जी, सर्जी। पिज़्ज़ा मंगवा लेती। गुरुजी आ गए, गुरुजी। अरे गुरुजी आ गए, तू सबको बाहर लेकर आ, मैं उनको अंदर लेकर आता हूँ। हाल 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 हाल, ये हाल सोया के जैसा खड़ा मत रहे। आइए आइए आइए। कोकी पहला दूध। अरे जीतेरा जीतेरा रामा बे, ये
हमारे कुल गुरु हैं। और गुरु जी ये हमारी समधन रमा बेन है। नमस्ते जी। और ये इनकी बहन रजनी। नमस्ते। और ये इनके हस्बैंड प्रीतम सिंह। ऐसे अमेरिका में लव मैरिज किया है। पंजाबी पुत्र है पण हवे एकदम गुजराती बन गया है। नमस्ते जी। नमस्ते। गुजराती आवड़े छे? ओ पंडित जी थोड़ी थोड़ी गुजराती बोली लू छू। दामाजी अपने अरे दामाजी कहाँ जा रहे हो? नीचे आओ बेटा नीचे आओ। गुरुजी ये है हमारे होने वाले दामाद। नीचे आओ आशीर्वाद। हाँ आ रहा हूँ। अरे गुरुजी संभलिए गुरुजी। आप मुझे आशीर्वाद दें। उससे पहले मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। हाँ मगर गुरुजी मेरा समझ लो आपसे सिगरेट पूछना चाहता है। हाँ पर हाँ कर रहे हो सिगरेट मतलब ये होता है वो ऐसा बोल रहे हैं मतलब आपसे प्राइवेट में ये बात करना चाहते हैं। मैंने मैं बात करनी है। आप जाओ उनके साथ। हाँ जाइए। ओके चलिए ना चलिए चलिए प्लीज। मैं क्या बोल रही हूँ ये जमाई अपना प्राइवेट में क्या बात करना चाहते हैं? क्या यानी हमने जो देखा वो सब नाटक था? हाँ, दादा और दादी का दिल न टूटे इसलिए हमने वो नाटक किया बस उसे भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाए हम अपने यजमान से झूठ कैसे कहें? झूठ बोलना पड़ेगा वरना सबके सामने आपकी असलियत का पर्दा उठा दूंगा मैं। हमारी असलियत क्या मतलब? मतलब ये है गुरुजी ये बताइए आपके पिताजी क्या करते थे? ओहो बाबा ज्योति शंकर दयाल जी। हाँ अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान नहीं थे ड्राइवर हैं और उनका नाम है बाबा सिंह। पहले वो ट्रक चलाते थे गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली जाते थे है? और इस रोड के कोने कोने में अपने प्रेम की गंगा बहाकर उन्होंने आप जैसी कई निशानियां छोड़ी हैं। आजकल वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं। आपको पता नहीं तो सुनिए आपका एक भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर है, दूसरा राजस्थान में कूली है, तीसरा बंजारा है और चौथे हैं आप। और पता नहीं कितने बस आप मेहरबानी करके मेरे पिताजी की हरकतों के बारे में किसी और को पता मत चलने देना वरना जो लोग मेरे चरणों में सर झुकाते हैं वो मेरे सर पर जूते फटकारने लगेंगे। आज से तेरी भी चुप मेरी भी चुप बस। गुड चले। हाँ हाँ चलिए चलिए। यस वाह 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 क्या बात। और क्या हुआ गुरुजी? भाई इससे अच्छा तो ग्रहों का योग हो ही नहीं सकता। गुरुजी यानी राहु और केतु का, चंद्रमा और सूर्य का, गुरुजी गुरु और शुक्र का। मैं तो कहता हूँ बापूलाल जी कोई नहीं टाल सकता आपकी बेटी की शादी। आप तो हंगामे से शादी की तैयारी करो। वाह 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 क्या दामाद पाया है आपने चक्रधारी योग वाला। वाह 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 मिठाई जाओ। अरे बाबा ठहरो तो सही। करिश्मा पटेल का घर यही मैडम? हाँ क्यों? हम स्टेट ट्रांसपोर्ट से आए उनका सामान आ गया था बस में कंप्लेन लिखाई थी मिल गया। सामान मिल गया? हाँ ये रहा देख लीजिए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ। धनसुख चाचा जी बिटिया दीदी का सामान उनके रूम में लेके जाना। ठीक है। अरे ये क्या किसी ने बैग का लॉक भी खोल दिया अंदर से सामान भी निकाल लिया होगा। देखे तो सही साहब ने क्या क्या लिया है अपनी मंगेतर के लिए। छुपा दीवानगी का मैं
दीवानगी का मजा। ख्वाबों की यारा क्या है अब जरूरत, जो ख्वाब देखा था तूने वो बन गया है हकीकत। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, तू मेरा दीवाना, मैं तेरी दीवानी। कहता है जो चोट लगती है तुझको तो दर्द मुझको होता है। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, तू मेरा दीवाना, मैं तेरी दीवानी। दीवाना दिल है मेरा, दीवाना दिल है तेरा, दीवाने मन में छिपा दीवानगी का मजा। दिल मेरा तुझको ही जाने, दिल तेरा मुझको ही जाने, जो दिल से प्यार करते हैं कहलाते हैं दीवाने। तू मेरा दीवाना, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरा दीवाना, तू मेरी। कल रात को इतना लेक्चर दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ तुझे? जहर पिलाना चाहती हो अपने माँ बाप को? धनजी, ये सामान बापू पटेल के घर भिजवा दो। तेरे सफर की प्रेम कहानी और इस फोटोग्राफ पे लिपस्टिक के निशान इस बात का सबूत है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। जतिन, she loves you. She loves you, man. She also loves you. Cheer up, you'll be happy. Yeah? She loves you. She loves you. Smile, dance with me. She loves you. She loves you. Shut up, Jackie. Hey, oh, क्या बात है बेटी? किसकी प्यार के नाम पर इतना नाच रहा है तू? कुछ नहीं मात, जैकी को आप जानती हैं वो बस। बेटे, मैं जैकी को भी अच्छी तरह से जानती हूँ और तुझे भी। बात यहाँ तक पहुँच गई और तूने मुझसे छुपाया अपनी माँ से। लेकिन कौन सी बात मॉम, क्या छुपाया है मैंने आपसे? ये देख, ये तो अच्छा हुआ कल तेरे कमरे से ये तस्वीरें मेरे हाथ लग गई, वरना माँ जो आप सोच रही हैं वैसा। बच्चा कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका झूठ माँ से कभी नहीं छुपता। सच सच बता, तुझे मेरी कसम। Thank you.
जिंदगी का सवाल है। तू कहे तो मैं अभी भी बापू पटेल से बात कर सकती हूँ। मैं तेरी खुशी से ज्यादा किसी भी कमिटमेंट को नहीं मानती। नहीं माँ, मेरे लिए मेरी माँ की कमिटमेंट से बड़ी कोई बात नहीं। और वही माँ तुझे कमिटमेंट तोड़ने के लिए कह रही है। देख बेटा, भावनाओं में बहकर जिंदगी के फैसले नहीं होते। अब भी सोच ले, कुछ दिन बाकी है शादी को। करिश्मा, बाहर आओ करिश्मा, करिश्मा। जातिन, जातिन तुम यहाँ? करिश्मा, बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करती हो। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, सच्चाई है। करिश्मा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूछ लो करिश्मा से। करिश्मा बता दो सच क्या है। बोल दो कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो। करिश्मा तुम बोलती क्यों नहीं हो? करिश्मा बोलो ना। करिश्मा की खामोशी तुम्हारा जवाब है जतिन। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से और मेरी बेटी का ख्याल भी मन से निकाल देना, समझे? करिश्मा अगर तुम आज खामोश रही तो जिंदगी भर पछताओगी। बोल दो करिश्मा, आखिर तुम चुप क्यों हो? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आज तो बाबू पटेल का लिहाज करके छोड़े देता हूँ। आइंदा मेरे घर के कंपाउंड में नजर भी आए तो जान से मार डालूंगा। गेट लॉस्ट। जतिन, जतिन लगता है करिश्मा का सपना देखा है तूने। हाँ यार, अब अगर तू ऐसे ही सपने देखते रहेगा ना तो एक दिन करिश्मा की शादी भी हो जाएगी और तेरा उसको पाने का सपना जिंदगी भर का एक सपना बन के रह जाएगा। मेरी बात सुन, अब मैं जो कहता हूं तू वो कर। हेलो। यस हेलो अंकल, करिश्मा है। कौन कौन बोल रहा है? मैं जया बोल रही हूँ। जया कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल प्लीज करिश्मा से बात करवाइए ना। हाँ चालू रखना, अभी बात कराता हूँ। He's calling, बात कर। करिश्मा बेटे। जी पापा। तेरे लिए फोन है जया का, बात करो। जी हेलो। करिश्मा मैं जतिन बोल रहा हूँ। जतिन तुमने यहाँ फोन क्यों किया? करिश्मा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। जतिन तुम समझते क्यों नहीं, हमारे यहाँ शादी से 4 दिन पहले लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती। मगर मंदिर जाने के बहाने तो निकल सकती हो ना। आज शाम को 6 बजे शिवजी के मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अगर तुम नहीं आई तो वहां से सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हेलो हेलो जतिन, बोलो क्या कहना है जतिन? करिश्मा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चुप क्यों हो? जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो सारे रस्म रिवाज तोड़कर यहां मुझे मिलने क्यों आई?
मेहंदी की रस्म के दिन बालकनी से मुझे देखने की तरफ, क्या वो प्यार नहीं था? और ये क्या ये तुम्हारे प्यार का सबूत नहीं? हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें से प्यार करती हूँ जल्दी। कर लो मुझसे शादी। तुम जानते हो जतिन, अगर मैंने हाँ कर दी मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे, मेरी बहनों का फ्यूचर और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ जतिन, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिंदगी तो तुम्हें जीनी है करिश्मा, जरा सोचो जिस इंसान से तुम प्यार नहीं करती उसके साथ जिंदगी कैसे बिताओगी? तुम जिस तूफान से डर रही हो वो अपने आप थम जाएगा, पर हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जतिन, जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, लेकिन हर एक की मंजिल एक ही तो नहीं होती। ऊपर वाले ने शायद हमारी मंजिलें अलग अलग बनाई है। प्लीज मेरी बात मान लो करिश्मा, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। काश ही कसम तोड़ने से हमारे प्यार की मौत हो जाए। मुझे भूल जाओ जतिन, मुझे भूल जाओ। करिश्मा, करिश्मा। साथी है मोहब्बतें।
बच्चों को लाना चाहिए था अपने साथ। उसकी एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। I'm sorry, मैं लेट हो गया। I'm sorry. प्लीज आप लोग शुरू कीजिए ना। अरे करिश्मा नहीं आए? करिश्मा कहाँ है? पापा दीदी को भूख नहीं है। क्यों? माँ बाप का घर छोड़ने के ख्याल से ही लड़कियों की भूख मर जाती है। आप लोग लीजिए ना दीपक भाई। पापा आप इतनी बड़ी हो गई खाना ना खाने की जिद अभी तक नहीं गई है? मुझे भूख नहीं है पापा। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगा, भूख अपने आप लग जाएगी। याद है बचपन में तू पूरे घर में दौड़ती थी और मैं तेरे पीछे पीछे थाली लेकर भागता था। जब झूठ मूठ में थक जाता था तो तू मुंह बनाकर खा लेती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी। बेटा आज भी मैं वही खुशी ढूंढने के लिए आया हूं। जितना दिल करे खा ले, ले। मैं खा लूंगी पापा, मैं खा लूंगी। नहीं बेटा, ये लाड़ प्यार दिखाने का मौका पता नहीं फिर मिलेगा। क्या हुआ पापा? बहुत छोटी थी मुझे याद है, 10-11 महीने की। चार दांत आते तेरे, दो ऊपर के दो नीचे के। जब मैं तेरे मुंह में बिस्कुट खिलाता था ना तो मेरी उंगली काट लेती थी और जोर से हंसती थी। चॉकलेट मांगने का भी तेरा अंदाज अलग था। कहती थी पापा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं ना, मेरे भी हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, आज से चॉकलेट खाना बंद। बस तेरे इस अंदाज पर मैं फिदा हो जाता था और फौरन चॉकलेट ला देता था। I know, पापा, I know. आपने मेरी हर जिद पूरी की है, छोटी से छोटी चीज आपने मुझे मेरी मर्जी से दिलवाई है पापा। तो फिर तूने ऐसा कैसे सोच लिया बेटी कि मैं तुझे तेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर करूंगा? पापा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं तू जतिन से प्यार करती है, तो फिर निमेश से शादी क्यों कर रही है? क्योंकि मेरी हर जिद पूरी करने वाले पापा ऐसा चाहते हैं और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। पर बेटा वही पापा तुझे जतिन से शादी करने की छूट दे रहे हैं। नहीं पापा नहीं, ये कमान से निकला हुआ वो तीर है, जो वापस बुलाया जाए
तो बहुत तबाही लाएगा। आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह पाला है और लोग इसलिए बेटा मांगते हैं कि उनके खानदान का नाम रहे, आन बान शान और मान मर्यादा बनी रहे। तो फिर मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊं कि आपकी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, आपका नाम बदनाम हो जाए। नहीं पापा, मैं जतिन को जरूर चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहनों को उतना ही चाहती हूँ। और मेरे प्यार में मेरी बहनों का क्या कसूर, मेरी सहेली जया का क्या कसूर? मुझे क्या हक है पापा उनके सपनों को तार तार करने का? बेटा, सब अपने अपने भाग्य का पाएंगे, तू सबकी चिंता क्यों करती है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग आपकी हंसी उड़ाए कि बड़ाया प्रेसिडेंट और खुद अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया। चार लोगों में पूछे जाते हैं आप, आपके फैसले को लोग सर आंखों पर रखते हैं पापा। लोगों का क्या है बेटी, लोग तो हंसी उड़ाकर चुप हो जाएंगे, लेकिन तुझे अपना प्यार तो मिल जाएगा। मैं अपने प्यार की खातिर आपके प्यार को कलंकित नहीं कर सकती पापा, आपकी नाक नहीं कटवा सकती। लेकिन बेटे, मैं अपनी नाक बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को दुखी नहीं दे सकता। पापा, ये हमारी संस्कृति है कि गर्दन कट जाए लेकिन नाक न कटने पाए। मैं निमेश से ही शादी करूंगी, मैं निमेश से ही शादी करूंगी। I'm proud of you, my son. फ्यूनरल नहीं, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। अरे यार, सेम डिफरेंस, स्लिप ऑफ टांग अबे, तू समझ गई ना? चलो चलो चलो, तैयारी करो, भोगने की तैयारी करो, चलो। दक्षिण वाम करे शिवा पा संतु संतु दे शिवा पा सोमनस्यास्तु सोमनस्याम गंधा पांदु सोमगलेम चास्तु अक्षदा पांदु आयुष्यमस्तु। आप यहाँ रखिए। महाराज, जल्दी करो जल्दी करो, मेरे खत्म होता है खाना शुरू हो जाएगा। ए, जल्दी करो जल्दी करो। संप्रददे संप्रददे, दोनों के हाथ में डालिए। Thank you.
ये तो कमाल हो गया। और यहाँ तो दो दो शादियाँ हैं। ये देखो बाबा लाल की बेटी की शादी और यहाँ रमेश भाई की बेटी की शादी। यहाँ अपने जतिन की शादी है, वहाँ करिश्मा की शादी है। वाह भाई दो दो शादियाँ, मजा आ गया। बल्ले बल्ले बल्ले। अभी अपना दूसरा फेरा शुरू कीजिए। तदेव लग्नम तदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पदे ते सर्वं स्मरामि। करिश्मा प्लीज करिश्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करिश्मा, छोड़, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। करिश्मा उठो, करिश्मा करिश्मा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। Jatin.
I love you too, Jatin. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. Love you. मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती. I can't live without you, Jatin. मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती. ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये? ये कुदरत का न्याय है निमेश. इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ऊपर वाला जिसे मिलाना चाहता है उसे कोई अलग नहीं कर सकता. क्या मतलब है आपका? ये मेरी मंगेतर है. मंगेतर थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम उसे जलते हुए मंडप में छोड़कर भाग नहीं निकले थे. अच्छा हुआ फेरे पूरे होने से पहले ही ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोली. कैसी बातें कर रहे हो रमेश भाई? आपका दिमाग तो ठीक है ना? दिल की आवाज को दबाकर दिमाग ही तो चला रहा था अब तक. अपनी बेटी के प्यार का गला घोंटकर परंपराएं निभा रहा था. जीवन साथी का मतलब होता है हर सुख दुख में साथ निभाना. और किसने किसका साथ निभाया ये तो आपने देख ही लिया और सबने देख लिया. अरे कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो आप रमेश भाई? जतिन मेरा होने वाला दामाद है. इसकी शादी होगी तो मेरी बेटी के साथ होगी. नहीं पापा, अब ये शादी नहीं हो सकती. ये तो क्या बोल रही है जया? हाँ माँ. माँ, शादी सिर्फ चार फेरों के बंधन का नाम नहीं होता. शादी तो वो है जहाँ दिल से दिल मिले. जब तक एक दूसरे के मन मंदिर में एक दूसरे की मूरत नहीं बस जाती उस शादी का कोई मतलब नहीं होता. और पापा, जतिन और करिश्मा एक दूसरे के मन मंदिर में बस चुके हैं. अब वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है. और आप ही ने तो सिखाया था ना पापा, जहां पे अपनी जगह ना हो वहां पे नहीं जाना चाहिए, है ना? वो कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. रिश्ते तो स्वर्ग में ही तय होते हैं. विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. वाह बेटी, तूने बिल्कुल सही किया हो. अरे ये अमेरिका के क्रेज ने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी. रमेश भाई, जतिन और करिश्मा की शादी अब हमारे मंडप में होगी. क्या? अरे बैंड वालों, बैंड बजाओ. आग दोनों तरफ जगी प्यास. हम तुम कितने दूर 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 कितने पास कितने दूर कितने पास.